जय भीम, स्वागत है आपका इस वीडियो में। और इस वक्त मैं बात करने वाला हूं एडवोकेट भानु प्रताप सिंह की टिकट के बारे में। एडवोकेट भानु प्रताप सिंह मेरठ से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार घोषित किए गए थे, लेकिन उनकी टिकट कटने की खबर आई, लेकिन उसके बाद भी भानु प्रताप सिंह कहते रहे कि उनका टिकट नहीं कटा है। वही समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के संयुक्त प्रत्याशी हैं। उनका एक बयान आया है और वो बयान आप सुनेंगे, तो देखिए वो ये बता रहे हैं कि मेरा ही टिकट है, लेकिन कई लोग बेवजह का प्रचार कर रहे हैं कि टिकट कट गया है। अफसोस इस बात का है कि कुछ मीडिया के साथी फैक्ट चेक किए बिना, सच्चाई को जाने बिना इस सारी चीज को छाप रहे हैं, दिखा रहे हैं, सोशल मीडिया पर भी उसको वायरल करने का प्रयास कर रहे हैं। तो आपने सुना कि ये एडवोकेट भानु प्रताप सिंह जो हैं खुद ही कह रहे हैं कि ये एक वायरल खबर है और इसमें कोई दम नहीं है। 8 घंटे पहले का ये वीडियो है और ये नवभारत टाइम्स की तरफ से ये वीडियो जो है आप देखेंगे, इस पे टाइमिंग 8 घंटे पहले का है। और नवभारत टाइम्स एक प्रतिष्ठित अखबार है, उनका यूट्यूब चैनल है, उन्होंने इसको अभी अपलोड किया है वीडियो को। लेकिन इसके साथ ही जो है एक खबर ऑलरेडी आ चुकी है। अगर इनकी बात को माने तो ये कह रहे हैं कि इनका टिकट नहीं कटा है, लेकिन इनका टिकट कट चुका है, उसकी घोषणा भी हो चुकी है। कुछ दिन पहले ही खबर आ चुकी थी कि इनको अब समाजवादी पार्टी मेरठ से बदलने वाली है, नए कैंडिडेट का ऐलान किया जाएगा। और इसकी जो औपचारिक घोषणा है, ऑफिशियल अनाउंसमेंट है, वो समाजवादी पार्टी ने अपने ट्विटर हैंडल पर कर दिया है। मैं आपको समाजवादी पार्टी का ट्विटर हैंडल दिखाता हूँ, आप ये देखिए। समाजवादी पार्टी का अगर आप ऑफिशियल ट्विटर हैंडल देखेंगे तो यहाँ आप देखिए मेरठ की जो सीट है उसमें अतुल प्रधान का नाम दे दिया गया है। ये लोकसभा चुनाव 2024 समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी मेरठ से अतुल प्रधान का नाम यहाँ पर दे दिया गया है। यानी समाजवादी पार्टी की तरफ से ऑफिशियल अनाउंसमेंट किया गया है कि जो उनके पहले कैंडिडेट थे एडवोकेट भानु प्रताप सिंह, उनको बदल दिया गया। अब उनकी जगह अतुल प्रधान यहाँ से चुनाव लड़ने वाले हैं। मेरठ की सरधना सीट से फिलहाल अतुल प्रधान विधायक हैं, वो वहाँ पर चुनाव कई बार लड़े लेकिन हार गए। लेकिन पिछले विधानसभा चुनाव यानी 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में उन्होंने संगीत सोम, जो बीजेपी के एक फायर ब्रांड नेता है, उनको हराया था। और अभी वो वहाँ से मौजूदा विधायक है समाजवादी पार्टी के और अखिलेश यादव के काफ़ी करीबी माने जाते हैं। उनका नाम अतुल प्रधान का समाजवादी पार्टी की ओर से मेरठ के लोकसभा प्रत्याशी के तौर पर यहां पर घोषित कर दिया गया है। इस बारे में अतुल प्रधान ने भी अनाउंसमेंट किया है। अतुल प्रधान के आप ट्विटर हैंडल पर आएंगे तो वहां पर भी उन्होंने इस बारे में जिक्र किया है और ये अपनी लिस्ट को शेयर करते हुए उन्होंने लिखा है, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे नेता आदरणीय यादव अखिलेश जी को हार्दिक धन्यवाद, जिन्होंने मेरठ की महान जनता का आवाज़ बुलंद करने का एवं सेवा का मौका दिया। हम सब मिलकर गरीब नौजवान किसान के हक एवं न्याय के लिए निरंतर संघर्ष करेंगे। ये अतुल प्रधान ने ट्वीट कर दिया है और बता दिया है कि वो अब यहाँ से लोकसभा चुनाव लड़ने वाले हैं। तो अब सवाल उठता है कि फिर एडवोकेट भानु प्रताप सिंह ऐसा दावा क्यों कर रहे हैं कि उनको अभी वहाँ से बदला नहीं गया है, जबकि समाजवादी पार्टी ने ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दिया है। और ये कल का ही आप देखेंगे तो ये ट्वीट है, कल 1 अप्रैल को 11 बजे ये ट्वीट किया गया है रात में। और उसके बाद रात में आप देखेंगे तो कैंडिडेट की घोषणा कर दी गई, लेकिन उसके बाद वो कह रहे हैं, इस तरह का दावा कर रहे हैं। और ये वीडियो आप अलग अलग चैनलों पर उनके देखेंगे, उनके बयान देखेंगे तो जिसमें वो कह रहे हैं कि उनका टिकट नहीं कटा है। तो कहीं ना कहीं एक कंफ्यूजन की स्थिति देखने को मिल रही है कि शायद कोई कन्फ्यूजन है कम्युनिकेशन को लेके। लेकिन समाजवादी पार्टी की ओर से अब ऑफिशियल अनाउंसमेंट किया जा चुका है, उनके ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर लिस्ट बाकायदा शेयर की जा चुकी है और उसमें कहा गया है कि अतुल प्रधान अब मेरठ से समाजवादी पार्टी के लोकसभा कैंडिडेट होंगे। बड़ा सवाल कि अखिलेश यादव ने भानु प्रताप सिंह को पहले टिकट दिया और फिर उनका टिकट क्यों काट दिया। पिछले दिनों हमने इस पर खबर की थी, जिस पर कुछ लोगों ने कहा था कि टिकट नहीं कटा है, कमेंट में कई लोगों ने कहा था, लेकिन खबर हमारी पुख्ता थी। जो हमारी जानकारी हमें अपने सोर्सेज से मिली थी उसमें बताया गया था कि लखनऊ में जो बैठक हुई, चुनावी समीक्षा बैठक हुई, उसमें अखिलेश यादव को ये सूचना मिली कि एडवोकेट भानु प्रताप सिंह सही से कैंपेन नहीं कर रहे हैं। और अखिलेश यादव ने कहा कि आप सही से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं तो मैं क्या किसी और को चुनाव लड़ा दूं वहाँ पर। इस पर एडवोकेट भानु प्रताप सिंह कुछ बोल नहीं पाए, वो
चुप रहे और फिर अखिलेश यादव ने ये कहा कि अब मैं तय करूंगा कि मेरठ से कौन चुनाव लड़ेगा, और अब नतीजा सबके सामने है, कैंडिडेट को बदल दिया गया है। और हालांकि एडवोकेट भानु प्रताप कहते रहे कि उनका टिकट नहीं कटा है, प्रत्याशी नहीं बदला गया है, लेकिन अब बदलाव की जो बात है वो कंफर्म हो गई है। इसके पीछे सिर्फ ये बात नहीं है कि एडवोकेट भानु प्रताप सिंह सही से चुनाव नहीं लड़ रहे थे, बल्कि इसमें मेरठ के जो नेता हैं, समाजवादी पार्टी की जो लीडरशिप है, जो लोकल लीडरशिप है, उसकी अंदरूनी कलह भी इसका एक बड़ी वजह बताई जा रही है। क्योंकि एडवोकेट भानु प्रताप सिंह जो हैं वो बुलंदशहर के रहने वाले हैं, लेकिन उनको एक पैराशूट कैंडिडेट के तौर पे मेरठ में भेजा गया। अखिलेश यादव ने उनको टिकट दे के सबको चौंका दिया था, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे लोग दावेदार थे। मेरठ एक हॉट सीट है, उसमें कई समाजवादी पार्टी के लोग टिकट की कोशिश कर रहे थे कि उनको टिकट मिल जाए, लेकिन भानु प्रताप का नाम आने के बाद सब लोग निराश थे। और ये भी कहा जा रहा था कि एडवोकेट भानु प्रताप सिंह को कैंपेनिंग में लोकल लीडरशिप मदद नहीं कर रही है, वहाँ पर उनको सही से साथ नहीं मिल पा रहा है समाजवादी पार्टी के लोकल नेताओं का कि वो अपना कैंपेन कर सके। और इनके खिलाफ में आप देखेंगे मेरठ से बीजेपी ने अरुण गोविल, जो कि रामानंद सागर की रामायण में राम का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल हैं, उनको टिकट दिया है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी 1 अप्रैल को आप देखें उनके लिए वहाँ पर एक बड़ी जनसभा की है, चुनावी सभा का आगाज़ किया है, और ये एक बड़ी चुनौती थी। लेकिन उसके बावजूद समाजवादी पार्टी की लोकल लीडरशिप एडवोकेट भानु प्रताप सिंह को उस तरह का सपोर्ट नहीं मुहैया करा पाई, और ये कलह जो है, ये अंदरूनी कलह खींचतान कहीं ना कहीं एक नतीजा ये लेकर आई कि अब कैंडिडेट को बदल दिया गया है। लेकिन सवाल उठता है कि अखिलेश यादव ने इस तरह की हरकत क्यों की? पहले एक व्यक्ति को, एक कैंडिडेट को घोषित किया, उसके नाम का ऐलान किया, उसको लोकसभा क्षेत्र में भेज दिया कि जाओ चुनाव लड़ो, और बाद में जो भी उसके रीज़न हो, जो भी उसकी बातें बताई गई हों, और बाद में कैंडिडेट को बदल दिया। तो एडवोकेट भानु प्रताप के साथ तो ये कहें कि सीधे सीधे एक तरह का छलावा है। वो अब किधर के भी नहीं रहे, वो बेचारे घोषित हुए और लड़ भी नहीं पा रहे। एडवोकेट भानु प्रताप सिंह बुलंदशहर के रहने वाले हैं, एक अपनी पार्टी उन्होंने बना रखी है, उसको चलाते हैं। हालांकि 2022 के चुनाव में भी अखिलेश यादव के साथ वो आए थे, और ईवीएम के मुद्दे पर लगातार मुखर रहते हैं, आंदोलन करते हैं, और सोशल मीडिया पर, यूट्यूब चैनल्स पर इनके वीडियो को खूब सराहा जाता है। तो एक सोशल एक्टिविस्ट की भूमिका में है, नेता की भूमिका में उस तरह से नहीं है, उस तरह से नेता अभी स्थापित नहीं हुए, लेकिन एक एक्टिविस्ट के तौर पर इनकी पहचान है। लेकिन फिर भी इनको टिकट मिलना एक बड़ी बात थी। अखिलेश यादव को लोग कह रहे थे कि उन्होंने भरोसा जताया है एक सामाजिक कार्यकर्ता पर, लेकिन उनका टिकट काट कर कहीं ना कहीं एक संदेश ये भी गया कि अखिलेश यादव अभी भी अपने कैंडिडेट को लेकर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं और असमंजस की स्थिति में है, कैंडिडेट को बदल रहे हैं। क्या समाजवादी पार्टी की स्थिति सही नहीं है, इंडिया गठबंधन की स्थिति सही नहीं है? एडवोकेट भानु प्रताप सिंह का भी इस पर ऑफिशियल अनाउंसमेंट आया नहीं है, उनकी प्रतिक्रिया आती है तो वो भी हम इसमें ज़रूर जोड़ेंगे। लेकिन इस पूरी घटना को आप क्या देखते हैं, कैसे देखते हैं कि इनका टिकट कट जाना, क्या बहुजन समाज के लिए जो पीडीए का फॉर्मूला अखिलेश यादव पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक का आदिवासी का देते हैं उसके ये मुखालफत करता है, उसके खिलाफत करता है ये फैसला, इस पर आप अपनी राय दें। अतुल प्रधान जो कि सरधना से मौजूदा विधायक है, क्या वो लोकसभा कैंडिडेट एक मजबूत बन सकते हैं अरुण गोविल के खिलाफ, और क्या एक कड़ी टक्कर दे सकते हैं, जीत सकते हैं, उसकी संभावनाओं को आप कैसे देखते हैं, कमेंट करके लिखें। आपसे अपील है वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो के अंत में एक छोटी सी अपील साथियों, अगर आपको द न्यूज बीक का काम पसंद है और आप चाहते हैं कि हम यूं ही अम्बेडकरवादी पत्रकारिता करते रहें, तो हमारी आर्थिक मदद जरूर करें। आप अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे इस क्यूआर कोड को स्कैन करें और न्यूज बीक फाउंडेशन के खाते में अपनी दान की राशि भेजें। क्यूआर कोड के अलावा आप यूपीआई के जरिए भी मदद कर सकते हैं। आप हमारी यूपीआई आईडी newsbeak@yesbank पर भी मदद भेज सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे अकाउंट में भी मदद भेज सकते हैं। खाते का नाम है न्यूज बीक फाउंडेशन, अकाउंट नंबर है 02358700000640, IFSC कोड है SB000235, बैंक का नाम यस बैंक है और ब्रांच है नेहरू पैलेस दिल्ली। आप डोनेशन के एवज में इनकम टैक्स में भी छूट पा सकते हैं। डोनेशन की रसीद पाने के लिए ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट हमें भेजें, टाइप करें डोनेशन स्पेस आपका नाम और हमें 8595794224 पर व्हाट्सएप करें।